अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आई एन के। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं कुछ नोटिफिकेशन, इंतहाई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसमें पेंशन जो है उसका भी जिक्र है और सरकारी स्कूल्स के हवाले से भी नोटिफिकेशन है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करने लगा हूँ। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सरकारी मुलाजमीन जो पंजाब के, उनके लिए एक अच्छी खबर है और एक नोटिफिकेशन की तरदीद भी की गई है। ये एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज लेटेस्ट अपडेट आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँची रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। इस चैनल पर हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड या कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो वीडियोज़ की फॉर्म में जो है आपके साथ बर वक्त शेयर की जाती है। अब मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और आपको लेकर चलता हूँ इस अहम खबर की तरफ व्यूअर्स। तो खबर यह है कि हुकूमत पंजाब के ख़जाना डिपार्टमेंट ने एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी करके रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में कमी की खबरों की तरदीद की है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सोशल मीडिया पर एक जैली सर्कुलर वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया हुकूमत पंजाब ने रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% की कमी का फैसला किया है। यह सर्कुलर मुकम्मल तौर पर जैली है और हुकूमत पंजाब ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। नोटिफिकेशन में मज़ीद कहा गया कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में किसी भी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। मुलाजमीन को अपनी पेंशन के हवाले से किसी भी किस्म की गलत मालूम पर यकीन न करें और अगर कोई भी जेली सर्कुलर मिले तो इस मुतलका हुकाम के साथ शेयर करें। अब मैं वो नोटिफिकेशन आपको पढ़कर सुनाता हूँ जिसमें तरदीद की गई है। तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये 31 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है। मिस्टर मुजाहिद शेरदिल, फाइनेंस सेक्रेटरी। ये नंबर भी दिया हुआ है 24006 और ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, द सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब लाहौर, द सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब लाहौर, द मिलिट्री सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब लाहौर, ऑल कमिश्नर्स इन द पंजाब, ऑल डिप्टी कमिश्नर्स इन द पंजाब, ऑल हेड ऑफ अटैच डिपार्टमेंट इन द पंजाब, द रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट, ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस इन द पंजाब। जी व्यूअर्स, ये देखें फेक सर्कुलर लेटर रीडिंग रिड्यूसिंग Decreasing pension. I am directed to refer to the subject cited above and to state that some unidentified pensions have uploaded a fake circular letter through electronic media. It implies WhatsApp or email etc. regarding reducing, decreasing pension by 10% of the gross pension for the employee of health, education and livestock department particularly as well as for the employees of the other departments by number FDSRIH 4136/2023 dated 8/8/2023 copy enclosed number 2. I am therefore directed to state that no such circular letter has been issued by this department, hence the above said fake circular letter may not be acted upon. Further, the notifications letters are far reaching consequences may be got verified from concerned wing section finance department in order to avoid untoward situation. ये नीचे सिग्नेचर देख रहे हैं खालिद महमूद, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी। अब देखें इसमें ये तरदीद की गई है कि नोटिफिकेशन जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं भी गर्दिश है जिसमें ये कहा गया कि 10% जो सरकारी मुलाजमीन है पंजाब के हेल्थ लाइफ स्टॉक के हेल्थ के डिपार्टमेंट के तो उनकी कमी की गई है, तो ये लेटर जो है ये सर्कुलर लेटर जो है जेली है इसके हम तरदीद करते हैं और आगे जो मुतलका अफीसर्स हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट के इंडक व खजाना को उनको भी कहा कि इसके अमल ना किया जाए। तो लिहाजा ये एक अच्छी खबर, अगर देखा जाए तो ये जो फेक लेटर है उसकी तरदीद में ये लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। अब चलते हैं एक और लेटर की तरफ और वो भी पेंशन से रिलेटेड ही है। व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 1 सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। ये डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी एलिमेंट्री पंजाब लाहौर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सरगोधा उसकी तरफ है। इसमें यह बताया कि सब्जेक्ट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ पेंशन केसेस की ऑनलाइन सबमिशन। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू स्टेट that the competent authority has desire to make live e-pension system in district Sargodha with effect from 4 September 2023 Monday. तो ये डायरेक्शन जारी की गई है
कि कंपिटेंट अथॉरिटी जो है ये डिज़ायर करती है कि मेक ई पेंशन सिस्टम इन डिस्ट्रिक्ट सरगोधा, डिस्ट्रिक्ट सरगोधा में ई पेंशन सिस्टम जो है वो 4 सितंबर 2023 से शुरू हो चुका है मंडे से। और इसमें जो डायरेक्शन जारी की गई हैं कि सबमिशन है ऑनलाइन केसेज यानी आप सबमिट करवा सकते हैं। आई एम देयरफॉर डायरेक्टेड टू कन्वे दैट आफ्टर 4 सितंबर 2023 नो फ्रेश पेंशन केसेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सरगोधा शैल बी सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट मैनुअली एंड आल पेंशन केसेस विल बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो 4 सितंबर के बाद कोई भी फ्रेश पेंशन केसेस डिस्ट्रिक्ट सरगोधा से वो सबमिट नहीं किए जाएंगे मैनुअली, यानी बाई हैंड नहीं दे सकेंगे, बल्कि वो ऑनलाइन ही सबमिट किए जाएंगे, ऑनलाइन उनकी सबमिशन होगी। तो बाई हैंड आप सबमिट नहीं करवा सकते, डिस्ट्रिक्ट सरगोधा की ये बात हो रही है। नंबर 3, आई एम फर्दर डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट द सीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सरगोधा टू इंश्योर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ई पेंशन ऑफ दीज एम्प्लॉयज ऑफिसर्स एज पर फॉलोइंग टाइमलाइन। तो इस टाइमलाइन के मुताबिक ही सबमिट करवाएं ऑफिसर्स और ऑफिशियल जो हैं सीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सरगोधा को ये डायरेक्शन जारी कर दी गई है। तो सीरियल नंबर है सुपर एनवेशन यानी रिटायरमेंट की जो डेट होती है, और टाइम लाइन फॉर सबमिशन, सबमिशन के लिए टाइम लाइन नंबर 1 जो है सितंबर 2023 से, टाइम लाइन फॉर सबमिशन यानी 10 सितंबर 2023 तक, और नंबर 2 अक्टूबर 2023 में अप टू सितंबर 20 2023 तक, ये सुपर एनवेशन जो अक्टूबर 2023 तक होंगे, और नवंबर 2023 जिनकी सुपर एनवेशन है वो अप टू सितंबर 30 2023, और जिनकी सुपर एनुएशन दिसंबर 2023 ये अप टू अक्टूबर 7 2023, और जिनकी है जनवरी 2024 इनकी अप टू अक्टूबर 14 2023, और जिनकी सुपर एनुएशन है फरवरी 2024 से अप टू अक्टूबर 21 2023, और फॉर एनी असाइन असिस्टेंट्स इन द रिगार्ड इन दिस रिगार्ड द ऑफिस ऑफ अंडरस्टैंड मे बी कंटेक्टेड। तो नीचे सेक्शन ऑफिसर उसके सिग्नेचर हैं, ये 1 सितंबर 2023 के सिग्नेचर हैं सेक्शन ऑफिसर पेंशन के। तो नीचे ये बताया गया किसी भी मामलत के लिए आप सेक्शन ऑफिसर पेंशन जो है यानी इससे रब्ता कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये पेंशन से रिलेटेड ये यकीन अगर देखा जाए तो अच्छी खबर है कि कमी नहीं की गई है। आजकल जो फेक न्यूज़ आती हैं समझ ही नहीं लगती है, ऐसी फेक न्यूज़ और नोटिफिकेशन बनाए जाते हैं कि जिस पे जो है वो फिर मुलाजमीन जो एतमाद भी कर लेते हैं, और इस हवाले से फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी भी बढ़ती है। तो जी व्यूअर्स, ये पेंशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन और ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर की। इसी अपडेट के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।